Hello student, welcome to the lectures of AKTU. Myself, Payal Keshavani, studying teaching at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. In this video lecture, I will be teaching you Industrial Pharmacy Unit 1 having subject code BP502T. So in this, I will be teaching you Unit 1, that is pre-formulation. So pre-formulation in this lecture, this is a lecture 1, and in this lecture I will be teaching you introduction, goals and objective, and physicochemical property. So pre-formulation is a very important study, and it includes very important aspects for the development of a dosage form, for a development of a new chemical entity. So whenever a new chemical entity is developed, new chemical entity means jo bhi new drug develop hua hai ya jo bhi new drug aapka invent hua hai, chahe wo natural source se obtain hai ya phir wo aapke synthetically lab mein develop hua ho. So jo bhi naya drug develop hota hai to uska ultimate aim hota hai aapka अल्टीमेट एम होता है उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना. तो जब भी कोई ड्रग अगर एज ए फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देने के लिए बॉडी में देते हैं तो बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं. जैसे अगर हमने डायरेक्ट रॉ ड्रग आपके बॉडी में दिया तो वो काफी सारे चेंजेस कर सकती है, आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी दे सकती है. आपको नहीं पता आपकी ड्रग कितनी टॉक्सिक है तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर सकती है. मोर ओवर अगर आपने बिना टेस्टिंग का उसको बॉडी में दे दिया तो क्या पता वो बॉडी में साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है. तो ये ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं आपके ड्रग के. इसलिए हमें ड्रग को काफी अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, उसकी काफी अच्छे से प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना होता है और उसको ऐसे फॉर्म में डेवलप करना होता है कि आप उसको इफेक्टिवली साइट ऑफ एक्शन में पहुंचा सके. सो जो भी आपके न्यू एंटिटीज होती हैं, न्यू फॉर्मुलेशंस होती हैं, तो दिस न्यू डेवलप्ड एंटिटीज जो होती हैं उसको पहले आप फॉर्मुलेशन में डेवलप करते हो, न्यू फॉर्मुलेशन में डेवलप करते हो, न्यू डोजेस फॉर्म में डेवलप करते हो. फिर ये जो डोजेस फॉर्म होता है बॉडी में इनटेक कराते हो पेशेंट के, एंड देन इट रीचेस टू द साइट ऑफ एक्शन. सो साइट ऑफ एक्शन क्या होता है, जहां पे ड्रग जाके एक्ट करती है, जहां पे वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती है. तो डायरेक्ट ड्रग नहीं पहुंच सकती, आपको उसको डोजेस फॉर्म के थ्रू पहुंचाना होता है. तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हम क्या करेंगे, वी विल डेवलप द न्यू केमिकल एंटिटी इनटू द न्यू फॉर्मुलेशन. बट इसकी जर्नी काफी टफ होती है. ये जो न्यू ड्रग एंटिटी होती है ये डायरेक्टली आपके डोजेस फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं. जैसे ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसको डेवलप करने के लिए काफी टाइम लगता है. देन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मीन्स इसमें बहुत सारे आपको एनालिसिस करने होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज की स्टडीज करनी होती है, उसके बाद ही आप इसका डेवलपमेंट करते हो. ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज्यादा इसमें आपको कॉस्ट देना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है. एंड मोर ओवर ये इसका रेट ऑफ फेलियर काफी हाई होता है. जरूरी नहीं है कि आपने जो भी डोजेस फॉर्म डेवलप किया है, जो भी आपने डोजेस फॉर्म बनाया है तो वो इफेक्टिव हो. देर आर चांसेस फॉर द फेलियर बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग द हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो डोजेस फॉर्म हमारे साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है. तो इसके लिए जो रेट ऑफ फेलियर है काफी हाई होता है. तो इतने सारे जो डिफिकल्टीज हैं, इतने सारे जो चैलेंजेस हैं हमें फेस करने पड़ते हैं जब भी हम न्यूली डेवलप ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो ये सारे लिमिटेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. तो ये जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज है हमें ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब हम जाते हैं या हम स्केल अप प्रोसेस के लिए जाते हैं तो उस टाइम जो हमारा ड्रग होता है
वो इफेक्टिवली डोजेस फॉर्म में डेवलप हो जाए. जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में ही फेस कर लें. हम स्केल अप प्रोसेस में या फिर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं और उधर पे अगर हम ये सारे चैलेंजेस फेस करते हैं तो हमें काफी ज्यादा लॉस हो सकता है. तो ये सारी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करते हैं. सो दिस इज अ मेजर रोल व्हाट प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज प्ले. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट यू विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन. सो अभी तक हमने देखा कि प्री फॉर्मुलेशन का नीड क्या है, वाई डू वी नीड प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन. सो प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है, इट इज द स्टेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जब भी हम किसी ड्रग की रिसर्च करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो उसका ये पार्ट होता है जहां पे हम सारे फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी स्टडीज करते हैं प्रॉपरली इन डीप व्यूज टू स्टडी द ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे मेल्टिंग पॉइंट ड्रग का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ड्रग का, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द ड्रग, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ड्रग. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं कि कहीं वो हाइड्रोलिसिस तो अंडरगो नहीं कर रही है, कहीं उसमें ऑक्सीडेशन का इफेक्ट तो नहीं आ रहा है. तो ऐसे हम सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डोजेस फॉर्म में डेवलप करते हैं सो दैट इट इज सेफली इफेक्टिवली एंड स्टेबली गोस इनसाइड द बॉडी एंड इट शोज इट्स इफेक्टिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. तो आप बोल सकते हो कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हम डीप एनालिसिस करते हैं सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का सो दैट वो आपको इफेक्टिव सेफ डोज आपके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचे. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. नेक्स्ट वी सी दैट जब भी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज होती है या कोई भी ड्रग डेवलप होता है, तो ये जो ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन प्रोसेस. इधर पे एक काफी टीम होती है, काफी बड़ी टीम होती है जो हर एक इंडिविजुअल रोल प्ले करती है. जैसे फार्माकोलॉजिकल साइंटिस्ट होता है, केमिस्ट होता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जो परफॉर्म करता है उसके लिए एक साइंटिस्ट होता है, देन नेक्स्ट आपका फॉर्मुलेशन डेवलपर होता है. तो काफी सारे साइंटिस्ट होते हैं जो एक साथ रोल प्ले करते हैं, उसी के बाद आपका ड्रग डेवलप होता है. तो जैसे आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट होता है वो सबसे पहले आपका ड्रग जो है वो गैदर करता है फ्रॉम द फार्माकोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड द केमिस्ट. फार्माकोलॉजिकल साइंटिस्ट बताता है कि इस ड्रग की क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है. केमिस्ट आपको बताता है, केमिकल साइंटिस्ट आपको बताता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपकी एक्टिविटी शो करेगा. इस तरीके से प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज की डीप एनालिसिस होता है, डीप स्टडी होती है. तो डीप स्टडी होने के बाद उसमें ये एनालाइज किया जाता है कि प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं. बिकॉज जब भी हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो एक स्टेबिलिटी का काफी बड़ा इश्यू आता है. तो ये जो स्टेबिलिटी है ये हमें देखनी होती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग द स्टोरेज, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन. तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ड्रग आपका होते हुए जाता है. तो ये जो ड्रग है मैन्युफैक्चरिंग में, कहीं मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कहीं इसमें चेंज तो नहीं आ रहा है, या फिर स्टोरेज करते टाइम इसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है. तो ये सारी कंडीशन में प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में ड्रग को रखा जाता है और एनालाइज किया जाता है. तो सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं इन द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हर एक स्टेज में की जाती है बिफोर द स्केल अप. ठीक है, तो जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज प्री क्लिनिकल स्टडीज में भी की जाती है, वॉलंटियर स्टडीज में भी की जाती है, फेस टू क्लिनिकल ट्रायल्स में भी की जाती है, फेस थ्री क्लिनिकल ट्रायल्स में भी की जाती है, और उसके बाद आता है स्केल अप. तो जो पहला है दैट इज प्री क्लिनिकल स्टडीज. प्री क्लिनिकल स्टडीज में क्या करते हैं, जो भी आपने फॉर्मुलेशन डेवलप किया है आफ्टर द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करने के बाद जो भी डेटा आपको मिला है, जो भी आपने फॉर्मुलेशन बनाया है उस डेटा को यूज करके, तो वो दिखाता है कि आपका इफेक्टिवली एनिमल में इफेक्टिव हो, वो ड्रग आपके एनिमल में इनटेक हो और इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करे, साइट ऑफ एक्शन में जाके इफेक्टिवली वो अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे.
सो इसके लिए भी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज डिटरमाइन किया जाता है टू ऑब्टेन द बेस्ट फॉर्मुलेशन फॉर द एनिमल स्टडीज. नेक्स्ट होता है वॉलेंटियर स्टडीज. तो वॉलेंटियर स्टडीज में हम डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन वॉलेंटियर्स होते हैं, उसमें हम फॉर्मुलेशन को टेस्ट करते हैं. तो इसमें भी होता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज टू डिटरमाइन द बेस्ट फॉर्मुलेशन फॉर वॉलेंटियर स्टडी. नेक्स्ट आता है आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज टू डिटरमाइन द बेस्ट फॉर्मुलेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल. तो जब भी आपको क्लिनिकल ट्रायल करनी है तो बेस्ट फॉर्मुलेशन पहुंचनी चाहिए. तो उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन या जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सारे प्रोसेस इफेक्टिव करके वो क्लिनिकल ट्रायल्स पे आपका कंप्लीट फॉर्मुलेशन पहुंचता है. लास्ट में जब आप स्केल अप करते हैं तो स्केल अप में जो फॉर्मुलेशन आता है तो वो भी इफेक्टिव होना चाहिए. एंड देन जब हम स्केल अप करते हैं लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो इट शुड बी इफेक्टिवली प्रोड्यूस विदाउट शोइंग एनी लिमिटेशन. तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का रोल इन सारे स्टेजेस में होता है, फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टडी टू वॉलेंटियर स्टडीज टू फेज टू ट्रायल्स टू फेज थ्री ट्रायल्स एंड द स्केल अप स्टडीज. नेक्स्ट एज आई टोल्ड यू डेट प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इज अ टीम वर्क. सो जो जो डेटा वो कलेक्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट साइंटिस्ट दे आर इट कलेक्ट केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर वेट, डिफरेंट सॉल्ट अवेलेबल, फार्माकोलॉजिकल क्लासेस, एक्सपेक्टेड डोज. एक्सपेक्टेड डोज मीन्स हाउ मच डोज इट हैज टू बी डिलीवर टू द पेशेंट फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट और इफेक्टिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल. कितना अमाउंट ड्रग अवेलेबल है, अगर उसको सिंथेसाइज किया है तो कितना अमाउंट सिंथेसाइज किया है और इतने अमाउंट में उसको स्टडीज कंप्लीट करनी है. तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर. देन एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट मीन्स कितना टाइम उसे लगना चाहिए डोजेस फॉर्म डेवलप करने के लिए. तो एक डेडलाइन फिक्स की जाती है. देन किस रूट से उसको देना है वो भी डिसाइड किया जाता है एंड किस फॉर्म में देना है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्री फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट गैदर करके रखता है, उसके बाद ही वो क्या करता है फॉर्मुलेशन को डेवलप करता है. नेक्स्ट है प्री फॉर्मुलेशन हेल्प्स टू सिलेक्ट. जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज होती है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है. तो फर्स्ट पैरामीटर है आपका राइट एक्सीपिएंट. फॉर एग्जांपल आप टैबलेट बना रहे हो तो टैबलेट के लिए आपको डिफरेंट एक्सीपिएंट्स लगते हैं, लैक्टोज हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ग्लाइडेंट हो गया, डिसइंटीग्रेंट हो गया. सो विच टाइप ऑफ डाइल्यूएंट इज गुड फॉर द पर्टिकुलर ड्रग, विच टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेंट इज गुड फॉर द पर्टिकुलर ड्रग, विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट इज गुड फॉर द पर्टिकुलर ड्रग. तो इस तरीके से जो राइट एक्सीपिएंट है उसको चूज किया जाता है. इसमें क्या किया जाता है, इंटरैक्शन देखा जाता है कहीं पे ड्रग या फिर एक्सीपिएंट इंटरैक्शन तो नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है तो हाउ वी कैन ओवरकम दिस इंटरैक्शन. सो ऑल दीज स्टडीज आर डन इन अ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. देन नेक्स्ट इज राइट कंपोजिशन. वी हैव टू टेक राइट कंपोजिशन ऑफ द एक्सीपिएंट. सो फॉर दैट इसके लिए हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करनी होती है. प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे जो भी डोजेस फॉर्म हमें डेवलप करना है उसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं सो व्हाट इज द राइट कंपोजिशन ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट. सो दिस इज डन बाय वेरियस स्टडीज. लाइक हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं इसके लिए, DOE आता है एंड वेरियस अदर सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द कंपोजिशन कि राइट अमाउंट ऑफ कंपोजिशन क्या है जिसको हम यूज करके एनालाइज कर सकते हैं. देन राइट प्रोसेसिंग स्टेप. इट ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द राइट प्रोसेसिंग स्टेप. राइट प्रोसेसिंग स्टेप कैसे डिटरमाइन करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मिक्सिंग करनी है तो हमें मिक्सिंग कैसे करना चाहिए फ्रॉम स्मॉलर इंग्रीडियंट टू द लार्ज इंग्रीडियंट. तो इट हेल्प्स टू डिसाइड द कंपोजिशन. उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें उसकी कंपोजिशन को मिक्स करना चाहिए. मोर ओवर इसके बाद वो हमें मिक्सिंग टाइम बताता है. इट टेल्स द मिक्सिंग टाइम, मिक्सिंग स्पीड. तो इस तरीके से हम वेरियस
जो स्टेप्स होते हैं उसको डिसाइड कर सकते हैं कि किस इंग्रेडिएंट को पहले हमें यूज़ करना है, किस स्पीड में उसे मेंटेन करना है, कितने टाइम तक उसे मिक्स करना है, या फिर अगर हम स्टेराइजेशन कर रहे हैं उसमें ऑटोक्लेव कर रहे हैं तो कितने टाइम तक हमें ऑटोक्लेव करना चाहिए। तो ये सारी जो प्रोसेसिंग स्टेप्स है हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, बिकॉज आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन वी हैव टू पैक इट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट अमाउंट, राइट टाइप ऑफ पैकेजिंग। तो अगर आप टैबलेट बना रहे हो तो टैबलेट आप किस तरीके से पैक करोगे सो डेट वो एनवायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहे, तो आप उसको डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग जैसे ब्लिस्टर पैकिंग है या डिफरेंट टाइप की पैकिंग चूज करके उसको पैक कर सकते हो। तो ये जो राइट पैकेजिंग स्टेप होता है आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आप सपोज पैरेंटरल फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो पैरेंटरल फॉर्मुलेशन में आपको टेस्टिंग करनी होती है कि अगर आप वाइल में किसी सोल्यूशन को स्टोर कर रहे हो तो वाइल में वो कहीं आपका इंटरेक्शन तो शो नहीं कर रहा है। अगर उसमें रबर क्लोजर लगा है या फिर एल्यूमिनियम का फॉइल लगा हुआ है तो वो कहीं पे इंटरेक्शन तो शो नहीं कर रहा है। तो लाइक दिस यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द राइट पैकेजिंग मटेरियल विच इज इफेक्टिव इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम ड्रग प्रोडक्ट। ऑप्टिमम ड्रग प्रोडक्ट मीन्स व्हाट इज द राइट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट और द ड्रग, राइट क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इन टू द फॉर्मुलेशन। सो इसको भी हम ऑप्टिमाइज करके ही डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी राइट क्वांटिटी ऑफ ड्रग है जो हम यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, सेफ एंड स्टेबल। तो हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज हमने सारी स्टडीज पहले से की हुई है और वो स्टडीज हमें डिटरमाइन कर रही है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर डेवलपिंग और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इससे बहुत सारा कॉस्ट हमारा सेफ हो जाता है, वो हमें सेफ और स्टेबल फॉर्मुलेशन भी डेवलप कराता है। सेफ कैसे? अगर टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है तो इट कैन शो दैट कि इस ड्रग से आपको टॉक्सिसिटी ऑब्टेन हो रही है, तो यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द ड्रग और यू कैन रिप्लेस द ड्रग विद द अदर केमिकल एंटिटी। सो लाइक दिस यू कैन ऑब्टेन द सेफ स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। आप अपने ड्रग को और अपने एक्सीपिएंट्स को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में प्लेस करते हो एंड यू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी कि किन कंडीशन में इट विल बी स्टेबल, किन कंडीशन में इट विल नॉट बी स्टेबल। नेक्स्ट इज पेशेंट फ्रेंडली एंड थेरेप्यूटिकली एक्टिव। तो हमें ये देखना होता है कि वो पेशेंट फ्रेंडली है या नहीं, मीन्स पेशेंट के साथ कुछ इंटरेक्शन तो शो नहीं करेगा ड्रग, या फिर थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन टेस्टिंग। तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन टेस्टिंग? फर्स्ट इज इट गैदर इनफ डेटा, ये हमें काफी सारा डेटा देता है जो हमें बताता है कि हमारा जो ड्रग है वो केमिकली स्टेबल है या नहीं, या थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव है या नहीं। कैसे? हम डिफरेंट स्टडीज करते हैं, डिफरेंट प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करते हैं। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज से केमिकल स्टेबिलिटी पता चलती है। केमिकल स्टेबिलिटी में हम ऑक्सीडेशन टेस्टिंग करते हैं या फिर हाइड्रोलिसिस देखते हैं कि ड्रग हमारा हाइड्रोलिसिस अंडरगो कर रहा है कि नहीं। तो हम इस तरीके से पता लगाते हैं कि हमारा ड्रग कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, कहीं पर डिकम्पोजिशन तो नहीं हो रहा है उसका, कहीं डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है। तो दिस इज केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। वो थेरेप्यूटिक इफेक्टिविटी भी ऑब्टेन कराता है। हम इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रोडक्ट में कॉस्ट लगा रहे हैं, अगर वो थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव नहीं हुआ तो फिर हमारा पूरा जो भी हमने हार्डवर्क किया इट विल बी वेस्टेड। सो इट हैज टू डिसाइड दैट वेदर अ ड्रग इज थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव और नॉट। नेक्स्ट इट हैज टू डिसाइड कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, मीन्स
हम इसको कमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं. अगर वो सारी स्टेजेस में सक्सेसफुली डेवलप हो रहा है देन यस वी कैन डेवलप इट कमर्शियली, वी कैन डेवलप इट ऑन अ लार्ज स्केल. मोर ओवर जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज होती हैं हमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के बारे में भी बताती हैं कि जब भी हम ड्रग्स को लेंगे तो व्हाट विल हैपन टू द ड्रग, उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा एंड उसका एक्सक्रीशन कैसा होगा. अगर हमने ड्रग दे दिया बिना प्री फॉर्मुलेशन से, उस हमने ड्रग दे दिया देन हमने कोई भी स्टडीज नहीं की, पता चला हमने ड्रग को दिया इट इज नॉट डिसॉल्विंग, इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग, सो क्या होगा, आपका ड्रग थेरेप्यूटिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा. तो इसलिए दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव विच वी कैन ऑब्टेन वाइल डूइंग द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. नेक्स्ट दीज आर डिफरेंट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज विच वी कैन डिटरमाइन. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी. ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में वी यूज टू सी द कलर ओडर डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन एंड पॉलीमॉर्फिज्म. क्रिस्टलाइन एंड पॉलीमॉर्फिज्म वी कैन डिटरमाइन बाय द मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज. नेक्स्ट इज फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन. फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन में वी यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द पार्टिकल. हम पार्टिकल का जो साइज है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक मेथड. माइक्रोस्कोपिक मेथड से हम देखेंगे कि हमारे पार्टिकल का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द पार्टिकल विच इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द डोजेस फॉर्म. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी आर डेवलपिंग अ फॉर्मुलेशन, फॉर एग्जाम्पल वी आर डेवलपिंग अ टैबलेट, तो टैबलेट आपके जब स्टमक में पहुंच रही है तो वी नीड टू नो वेदर अ टैबलेट इज डिसॉल्विंग और नॉट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल बिकॉज अगर हमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा हमारे ड्रग का तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू शो द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. देयरफॉर आपके ड्रग का सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल पता होना बहुत जरूरी होता है. तो ये हम डिफरेंट सॉल्युबिलिटी मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं. डिफरेंट सॉल्युबिलिटी मेथड डिफरेंट ड्रग्स को डिफरेंट सॉल्वेंट में डाल के उसकी सॉल्युबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, दैट इज पीकेए. तो जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है इट हेल्प्स टू डिसाइड दैट हमारा ड्रग डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो जो पीएच है और पीकेए है, हम पीएच एंड पीकेए को चेंज कर उसको मॉडिफाई करके अपने ड्रग को सॉल्युबलाइज बना सकते हैं. तो जो पीके और पीएच डिटर्मिनेशन है हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल शिफ्ट यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टीशन कोएफिशिएंट. पार्टीशन कोएफिशिएंट इज व्हाट, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग इज सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक फेज एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इज सॉल्युबल इन द एक्वस फेज. सो इट इज द रेशियो ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन बोथ द फेसेस. सो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द ऑक्टेनॉल एंड वाटर एंड द मेथड इज द शेकिंग मेथड. तो इस मेथड से आप पार्टीशन कोएफिशिएंट को डिटरमाइन कर सकते हो. नेक्स्ट मेथड इज पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी एंड दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. तो इस मेथड में जो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी होती है हम इसमें ये देखते हैं कि आ पाउडर इज फ्लोएबल और नॉट. मतलब उस जब भी हम जैसे फॉर्मुलेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल टैबलेट एंड ग्रैन्यूल्स, तो टैबलेट एंड ग्रैन्यूल्स में फ्लो प्रॉपर्टी मेजर रोल प्ले करता है बिकॉज उसमें पंचिंग होती है, उसमें डाई कैविटी से आपका पार्टिकल रन होके जाता है. तो अगर पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी. सो डेट इज वाई वी नीड टू फर्स्ट टेस्ट कि आपके ड्रग की फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है. नेक्स्ट फ्लो प्रॉपर्टी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कंप्रेसिबिलिटी चेक करके कर सकते हैं, हम एंगल ऑफ रिपोज चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है कार्स इंडेक्स, हम उससे चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है हॉसनर्स रेशियो, हम उससे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है इट इज हैविंग द फ्लो प्रॉपर्टी और नॉट.
नेक्स्ट आता है कंपैटिबिलिटी विद द एक्सीपिएंट. हमें चेक करना होता है कि हमारा ड्रग्स एंड ड्रग एक्सीपिएंट कंपैटिबिलिटी है या नहीं. तो ये जो कंपैटिबिलिटी है हम किसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डीएससी. नॉन स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग मेथड, इससे हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि ड्रग हमारा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में किस तरीके से एक्ट करेगा. तो वो हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स डिग्रेडेशन स्टडीज. सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. सो वी विल जस्ट रिवाइज. हमने इसमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरीके से प्री फॉर्मुलेशन एक मेजर रोल प्ले करता है. इसके बाद हमने एक जर्नी देखी थी कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में किस तरीके से आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हेल्प करती है ड्रग को डोजेस फॉर्म में डेवलप करने के लिए. इसके बाद हमने प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज की डेफिनेशन स्टडी की थी. नेक्स्ट वी हैव सीन द होल जर्नी ऑफ अ ड्रग डेवलपमेंट कि कैसे ड्रग इन्वेंट होता है और किस तरीके से उसका स्केल अप होता है और उसमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज क्या रोल प्ले करता है. नेक्स्ट क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज स्टार्ट करने के लिए, ये हमने देखा था. नेक्स्ट वी हैव सीन हाउ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हेल्प टू सिलेक्ट द वेरियस पैरामीटर्स जैसे एक्सीपिएंट कंपोजिशन प्रोसेसिंग स्टेप पैकेजिंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट था कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. देन ये हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का एक ग्लैंस लिया था. नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम डिटेल में डिफरेंट स्टडीज देखेंगे जो भी हमने अभी डिस्कस की है एंड वी विल हैव अ डीप स्टडीज ऑफ दैट टॉपिक. थैंक यू.